जय हिंद दोस्तों। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहां पे आपको एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस देखने को ना मिलते हों। हर एक एग्ज़ाम में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो इन सवालों को हम लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर और बेहतरीन ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। अंतिम तक आपको बने रहना है, हर एक चीज़ अच्छे से समझा देंगे, आपको आगे कहीं भी दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर के अंदर। पहला सवाल देखिएगा, दो संख्याओं में से एक संख्या 15 है, यदि उनका HCF और LCM क्रमशः 5 और 120 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब एक ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट पे ढेर सारे टाइप के सवाल बन जाते हैं आपके, तो उन सभी टाइप के सवालों को करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर दिया गया है तो उनका जो LCM और HCF का मल्टीप्लाई है, LCM और HCF का मल्टीप्लाई, उनके LCM और HCF का जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर होता है, वो दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये कई बार हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, देखिएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है लेकिन अलग अलग टाइप के सवाल बनेंगे। जैसे एक टाइप यही है, कह रहा है दो संख्याओं में से एक संख्या तो आपका 15 है, यदि उनका HCF और LCM क्रमशः आपको 5 और 120 दिया है। HCF कितना दिया है तो आप लोग जानते हैं कि LCM और HCF का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो LCM और HCF का मल्टीप्लाई करिए यानी 5 × 120, तो 5 × 120 ये किसके बराबर होता है, ये दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर। तो एक संख्या आपको दे रखा है 15, एक संख्या 15 दे रखा है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है तो बी मान लेते हैं। बस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 15 × 8 = 120, 8 बार में हो जाता है ये, तो बी की वैल्यू यानी दूसरी संख्या जो आपकी आ जाएगी 5 × 8 = 40 आ जाएगी दोस्तों, है ना। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सिंपल टाइप था, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सिंपल टाइप का सवाल था। आगे और भी जो सवाल आएंगे उनमें अलग थोड़ा टेक्निक लगने वाला है ना, तो हर एक टाइप के सवालों को देखेंगे, बस वीडियो में आपको अंतिम तक बने रहना। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों दूसरा सवाल ये रहा, उसी कॉन्सेप्ट पर है, दो संख्याओं, यहाँ पर दो होगा, दो संख्याओं का HCF और LCM 33 और 264 है, जब पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो उसका भागफल कितना आ जाता है, यहाँ पर 33 आ जाता है, तो दूसरी संख्या कौन सी है, है ना। है वैसा ही टाइप का सवाल, वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या बोला है, इस लाइन को पढ़िए, जब पहली संख्या को, पहली संख्या मान लीजिए हमारी ए है, इस पहली संख्या को जब 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना मिलता है, भागफल आपका 33 मिल जाता है, यानी ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 मिल जाएगा। यानी पहली संख्या हमारी यहाँ से कितनी आ गई, 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 66 आ जाएगा। अब वही कॉन्सेप्ट, वही फार्मूला लगा के रख दीजिए, क्या होता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो LCM HCF कितना कितना दिया है आपको, 33 दिया है आपका HCF और LCM दिया है 264, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, तो एक संख्या तो आपकी 66 है, एक संख्या हो गई 66 और दूसरी संख्या हम बी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से काटा पिटी करिए, आपका आंसर आएगा, देखिए 33 से ये 2 बार में कटेगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए, 264 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा, यानी 132 आ जाएगा। देखिए कितना आसान है ना, हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऐसे ही दनादन एकदम सवाल का बौछार करते जाएंगे और बेहतरीन सवालों को करते जाएंगे, है ना। अगला सवाल देखिएगा, चलिए देखिए, अब ये भी सवाल वैसा ही है, उसी कॉन्सेप्ट पर होगा, लेकिन इस सवाल को करने के लिए एक थोड़ा सा और चीज़ हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया गया है, 5x और 8x का HCF तथा LCM, यहाँ पे LCM होगा, LCM क्रमशः 9 और 360 है, तो x का मान क्या होगा। अगर दोस्तों एक कॉन्सेप्ट अगर आप लोग जानते हैं ना, तो इसमें सिर्फ देख कर इसका आंसर बता सकते हैं कि 9 होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, दो संख्याएं दी गई हैं, ऐसे भी कर सकते हैं वो फार्मूला लगाकर, LCM और HCF कितना दिया है, 9 और 360 दिया है, HCF 9 है, LCM 360 है। तो आप जानते हैं कि LCM और HCF का पहला मेथड बता रहे हैं हम लोग, जो फार्मूले का यूज करके आप लोग लगा सकते हैं, ठीक ना। देखिए तो LCM HCF का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, LCM HCF आपका 9, LCM आपका 360 है, ये किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर, यानी कि यहाँ पर
5x इंटू 8x, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा, पहला मेथड है ये आपका पहला मेथड है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। अच्छा अब आगे सुनिए, काटेंगे कैसे, देखिए 8 से क्या ये कट जाएगा, 8 से ये कटेगा, 8 चौक 32, बचा 4, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा, ठीक है। 5 से ये भी कट जाएगा, 45, 5 9 45, 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 हो जाएगा, और इधर एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब आपके पास यहाँ पर 81 दिया है तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 9 हो जाएगा, इधर आके वर्गमूल लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड देखिए दोस्तों, आप जब इसका बेसिक पढ़ रहे होते हैं एलसीएम और एचसीएफ का, तो वहाँ पे जो एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पर लगा दीजिए, आपका आंसर तुरंत आएगा बिना पेन उठाए। क्या होता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक 5x है और एक आपका 8x है, ये दो संख्याएं दी गई हैं। अब आपका एचसीएफ क्या होता है बताइए, एचसीएफ वो होता है जो संख्याओं में कॉमन चीज़ होता है, HCF वही ना होता है। तो 5x और 8x में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ x ही कॉमन दिख रहा है ना। तो HCF इन दोनों संख्याओं के HCF हो गया x, जबकि HCF आपको दे रखा है, कितना दिया है, 9 दिया है, यानी यही x की वैल्यू है आपके पास। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। बस ये आपका सेकेंड तरीका था, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब दो संख्याएं दी गई होती हैं तो उनमें जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन हो सकता है वही उनका HCF तो होता है, वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा। ये इतना लंबा चौड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हालांकि इससे भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, एक फार्मूला पढ़ के आप इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, चलिए देखिए अगला सवाल। ये सवाल तो आपका एकदम सीधा सीधा, इसमें कोई तिकड़मबाजी नहीं लगानी है, बस आपको जो फार्मूला बताया गया है उसी में रख दीजिए। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 32-76 है, एलसीएम आपका 63 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। आप जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, है ना। तो एलसीएम कितना दे रखा है, 63 इंटू एचसीएफ आपको निकालना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए एचसीएफ, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है आपको, सीधे सीधे मल्टीप्लाई ही दे दिया है ना, अलग अलग संख्याएं ना देकर सीधे सीधे मल्टीप्लाई दे दिया है। तो ये आपका एक अलग टाइप बन गया। अब यहाँ पे HCF निकालना है दोस्तों, तो HCF आपका कितना हो जाएगा बताइए, तो 32-76 और 63 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 63। अब काटिए, पहले 9 से काट दीजिए या फिर 7 से काट दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलिए पहले 9 से काट देते हैं। तो 9 7 63, ऊपर वाला भी 9 से कट जाएगा, 9 से काटिए तो कितना होगा आपका, 9 3 27, बचा 5 तो 57 हो गया, और 9 6 54, है ना, 9 6 54, ठीक। फिर आपका बचा 3 तो 36 हो गया, 9 चौक 36 कट गया। फिर 7 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, बचा 1 14 हो गया, 7 2 14, यानी 52 आ जाएगा। HCF कितना आ गया दोस्तों, 52 आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग, एकदम बेहतरीन सवालों के साथ हम लोग बढ़ते चल रहे हैं इस वीडियो में, तो आपको पूरा देखना है वीडियो को, बीच में कहीं छोड़ना है स्किप मत करिएगा, हर एक चीज़ हर एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे बढ़िए, देखिएगा अगला सवाल ये रहा आपके सामने, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 6 गुना है, एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 6 गुना है, यानी ऐसा कहिए ना, जो एलसीएम है, एलसीएम के लिए हम लोग स्मॉल एम एल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एलसीएम है एचसीएफ का 6 गुना है, यानी एचसीएफ का, एचसीएफ मतलब एच का कितना गुना है दोस्तों, यहाँ पर 6 गुना है, ठीक है। तो एलसीएम जो है एचसीएफ का 6 गुना हमने कर दिया। यदि उनमें से एक संख्या 45 है तथा एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है, यानी एल प्लस एच, एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है, सम है, वो कितना दे रखा है आपको, 315 दे रखा है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक संख्या आपको 45 दे रखा है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता है वो दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो दोनों संख्याओं में से एक संख्या आपको 45 दिया है, यानी ये हो गया 45, और दूसरी संख्या आपको निकालनी है, यानी बी निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर तिकड़मबाजी थोड़ा सा लगाइए, क्या क्या हो सकता है चीज़ें, है ना। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करते हैं ना,
L के जगह पर इस इक्वेशन में L के जगह पर 6H रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L के जगह पर रख देंगे हम लोग, क्या रख देंगे 6H रख देंगे, तो 6H प्लस H कितना हो गया 7H हो गया, और इक्वल टू ये कितना बराबर हो जाएगा 315 के। तो H की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, यानी HCF की वैल्यू 7 से ले जाकर डिवाइड कर दीजिए, तो 7 चौक 28 है ना, बचा 3 7 15 35, तो HCF आपका 45 आ गया, ठीक है। तो LCM कितना आ जाएगा भाई, LCM यहाँ से देख लीजिए 6 × HCF कितना आया 45 आया, तो 6 × 45 हो गया, ठीक है। अब आगे सुनिए, अब इसमें रख दीजिए इस वाले में, ठीक है ना, इस वाले में क्या हो जाएगा, LCM कितना है 6 × 45, 6 × 45 है LCM, इंटू HCF कितना है 45 है, HCF हो गया 45, इक्वल टू आपका 45 × B दे रखा है, इंटू बी दे रखा है, 45 से 45 कट जाएगा, 45 का 6 से गुणा कर दीजिए, आपका दूसरा संख्या मिल जाएगा, यानी B मिल जाएगा, 45 छक्के कितना हो जाएगा, तो 45 × 90, 9 × 3 = 27, 270 कितना हो गया 270, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, थोड़ा घुमा के सवाल दिया गया था तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे, देखिएगा बेहतरीन सवालों के साथ। अब आपको इस सवाल में क्या पूछा गया है, संख्याओं 56 और 84 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त यानी HCF का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास दो संख्याएँ हैं, कौन कौन सी, हमारे पास है 56 और हमारे पास है 84, ठीक है। HCF क्या होता है, HCF तो जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन होता है वही होता है, 56 और 84 में क्या कॉमन हो सकता है बताइए, तो 28 कॉमन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, या फिर नहीं आता है चीज़ें करने के लिए तो इसको गुणन खंड में तोड़ लीजिए, आराम से आपका HCF LCM निकल जाएगा। गुणन खंड में तोड़ेंगे तो ये 8 × 56 होता है, आप लोग जानते हैं 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, और 57 तो 8 × 56 ये हो गया, ये कितना होता है, ये आपका होता है 12 × 84, है ना, 12 × 84 होता है, इतना तो आप जानते होंगे, ठीक है, या फिर 12 × 84, ठीक है, ठीक है। तो 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 × 3 लिखेंगे, और इंटू ये आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इंटू 3 × 7, ये चीज़ हो गया। अब सुनिए ज़रा, पावर कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1। HCF पहले तो LCM निकालते हैं, LCM कितना हो जाएगा, LCM बताइए, तो LCM क्या होता है, सारे फैक्टर्स का मैक्सिमम पावर, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 2 दोनों जगह है, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, ये हो गया, इंटू और आपको क्या दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, तो 3 का मैक्सिमम पावर 1 है, इंटू 7 भी दोनों में दिख रहा है, तो 7 का मैक्सिमम पावर 1 ही है दोनों जगह, है ना, ये हो गया आपका LCM। फिर आपको HCF निकालना है, दोनों का अनुपात पूछा गया है ना, HCF कितना हो जाएगा बताइए, कॉमन का छोटा पावर, कॉमन क्या है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो कॉमन हो गया आपका 2, उसका छोटा पावर 3 यहाँ है 2 यहाँ है, तो ये हो गया 2, और इंटू कॉमन तो 7 भी है, 7 का छोटा पावर तो 1 ही है, छोटा कहिए बड़ा कहिए जो पावर है वही है ना, तो 1 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। अनुपात पूछा है, अनुपात में तो दोनों साइड से कट सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ से 7 से ये 7 कट गया, ये होगा 4, ये होगा 8, है ना भाई, ये कितना होगा, ये होगा आपका 8 × 3, और अनुपात इधर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो 2 × 3 = 6, और रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो LCM HCF का अनुपात कितना आ गया, यहाँ पे ये आ गया 6:1, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट कर पाते हैं इस चीज़ को तो डायरेक्ट कर लीजिए, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए LCM HCF अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर जो HCF है कितना हो जाएगा, 56 और 84 का HCF हो जाएगा दोस्तों 28, क्यों, क्योंकि 28 ही इन दोनों में कॉमन है भाई, 28 × 56 होता है, 28 × 3 आपका 84 होता है ना, तो 28 कॉमन आ गया, ये हो गया आपका HCF। LCM कितना हो जाएगा, कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन क्या चीज़ है, ऐसे करिए ना, ये 56 और ये आपका कितना है 84, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है 28 है, तो 28 को हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या 28 × 56, 28 × 3 = 84, यानी LCM कितना हो जाएगा 28 × 2 × 3, 28 × 2 × 3 यानी कि 6,
तो यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका 28 इंटू, ये आपका HCF है ना, ये आपका HCF है, ये आपका LCM है, तो 28 इंटू कितना, दो तियाँ छः, सॉरी यहाँ पे तीन हो गया है ना, दो तियाँ छः हो जाएगा, ये दो तियाँ छः, तो 28 से 28 कट गया, एक आ गया इधर, तो 1:6 ये किसका है, HCF से LCM का, लेकिन आपको पूछा क्या था, LCM से HCF का, यानी उल्टा हो जाता, ठीक है ना। तो अगर आप डायरेक्ट आपको आता है LCM HCF निकालते तो आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखिएगा अब इस सवाल को करने का एक डायरेक्ट फार्मूला भी है और कॉन्सेप्ट भी है। पहले तो कॉन्सेप्ट बेसिक मेथड से हम लोग बनाते हैं, फिर आपको फार्मूले से बनाना बताएंगे। कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 3 और 7 है, तो भाई संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, 3x हो जाएगा और 7x हो जाएगा, यही तो दो संख्याएं होंगी जब अनुपात में दिया होता है, तो ऐसे ही मानते हैं हम लोग। उनका HCF कितना है, 3 दिया गया है, तो भाई HCF कितना हो जाएगा, HCF अगर इधर से हम लोग देखें तो HCF को हम लोग डायरेक्ट H लिखते हैं, HCF इसमें क्या कॉमन है, आपको X दिख रहा है, लेकिन HCF आपको दिया कितना है, 3 दिया है, X की वैल्यू तो हमको मिल गई। उनका LCM क्या होगा, LCM आपको बताना है, तो LCM कितना हो जाएगा, LCM इंटू HCF, फार्मूला लगा रहे हैं हम लोग, LCM इंटू HCF, HCF कितना है, 3 है, इक्वल टू दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, दोनों संख्याएं क्या है हमारे पास यहाँ पर, 3x है ना, 3x इंटू 7x, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, इस 3 की जगह पर हम लोग, इस वाले 3 की जगह पर इसमें हम लोग x भी रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि HCF आपका x है, तो ये हो गया। अब क्या क्या कट रहा है, x से x कट गया, ठीक है, तो LCM कितना आ गया आपका यहाँ से, 3 × 21 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 3 है, तो 3 × 21 एक्स, एक्स की वैल्यू 3 रखिए, यानी 21 इंटू 3 मतलब कि 63, LCM कितना आ जाएगा दोस्तों, 63 आ जाएगा। ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका फॉर्मूले वाला। अब आपको यहाँ पे एक शॉर्ट फार्मूला इसका बताते हैं, यानी ट्रिक वाला फार्मूला। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो दोस्तों, दो संख्याएं अनुपात में दी गई हैं और उनका HCF दिया गया हो, तो LCM निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, यानी अनुपात का मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा दोनों संख्याओं का नहीं, उनके अनुपात का मल्टीप्लाई, यानी a इंटू b, ये दोनों अनुपात में थे, और इंटू जो HCF दिया है उसको कर देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, पहला अनुपात आपका 3 दिया है, दूसरा अनुपात आपका 7 दिया है, और HCF दिया था 3, यहाँ से इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 63 आ जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये ट्रिक है ये वाला, और ये आपका बेसिक मेथड है, दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गए होंगी ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। आज के इस सेशन में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें। आपके सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, रेलवे हो गया, SSC हो गया, आपका पुलिस का कोई एग्ज़ाम हो गया, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको डेली देखिए, डेली आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।